प्रकृति के करीब कुछ सुकून के पल बिताना किसे अच्छा नहीं लगता। कल कल करती झरनों की आवाज के साथ मध्यम मध्यम गीत, पक्षियों के कलरों के साथ कोई गीत गुनगुनाना, नदी के बहते पानी की आवाज सुनना, ये सब किसे अच्छा नहीं लगता। कुदरत की खूबसूरती देखने और उसे महसूस करने के लिए लोग सैकड़ों मीलों तक की यात्रा करते हैं। लोगों की इसी पसंद को देखते हुए देश में इन दिनों इको टूरिज्म पर फोकस किया जा रहा है। इको टूरिज्म वाली जगहों के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं इको टूरिज्म क्या है। इको टूरिज्म से अर्थ है प्राकृतिक सौंदर्य के करीब जाना और उसका आनंद लेना। इको टूरिज्म पर्यटकों को प्राकृतिक क्षेत्रों, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्रों की यात्रा कराता है। ऐसी जगहों पर प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण के सभी उपाय किए जाते हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो इको टूरिज्म प्रकृति और पर्यावरण की देखभाल एवं उसके संरक्षण करने से भी है। प्राकृतिक क्षेत्रों की एक जिम्मेदार यात्रा पर्यावरण का संरक्षण के साथ ही स्थानीय लोगों की भलाई में सुधार करती है। इको टूरिज्म के मामले में हमारा देश धन्य है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पर्यटन के मामले में भारत के पास हर चीज सर्वोत्तम है। चाहे वह आकर्षक हिमालय हो, राजस्थान में स्थापत्य के अद्भुत दृश्य हो, हिमाचल प्रदेश में साफ झीलें, उत्तराखंड में आध्यात्म का द्वार, गोवा के अविश्वसनीय समुद्र तट, केरल के शांत अप्रवाही जल, मध्य प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य, पूर्वोत्तर के चाय बगान और पहाड़ियों का आकर्षक नजारा हो या कच्छ के रण की प्राकृतिक सुंदरता। स्थानीय सरकारें भी अपने राज्य की इन प्राकृतिक खूबसूरती के संरक्षण और विकास के साथ ही पर्यटकों को लुभाने के लिए कार्य कर रही हैं। सरकारें अनुकूल स्थल का चयन कर वहां पर्यटन सुविधाएं बेहतर बनाती हैं, जिससे देश के साथ ही विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सके। आज के समय में लोग ऐसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं जहां प्राकृतिक खूब। आप भले ही इको टूरिज्म करें, लेकिन आप इको टूरिस्ट तभी कहलाएंगे जब आप वहां गैर बायोडिग्रेडेबल कूड़े को न छुएं और उन्हें अपने साथ वापस ले जाएं, जैसे खाली बोतलें, टिन, प्लास्टिक बैग आदि। सफाई और स्नान करते समय डिटर्जेंट जैसे दूषित पदार्थों का उपयोग करने से बचें। जंगल में सिगरेट के ठूंट न छोड़ें और न ही आग लगाएं। शराब, नशीले पदार्थ या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करें और बोतलों को जंगल में न फेंकें। वहीं पर्यटन मंत्रालय ने भी इको पर्यटन के विकास की संभावनाओं को स्वीकार किया और इसे बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत एक इको सर्किट की पहचान की है। मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन में इको थीम के तहत 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। हाल ही में यूपी सरकार ने भी राज्य में कई स्थलों का चयन किया है जिसे इको टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए पीबीएन।